ये बहुत छोटा है ये भी क्योंकि इसमें कुछ सवाल हायरो को लेकर है अः मैंने अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं की मैं जरा स्क्रीन कर दू ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए सो okay. so, कार्ड के बारे में बात हो रही है आम तौर पे आजकल इस तरह के अलग अलग पिक्चर्स बनाए जाते हैं अः जो बेसिकली टो में इस्तेमाल होता है वो आमतौर पे इस तरह से होता है राइटे टारो जो सीखने के लिए बनाया जाता है इसके अंदर ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं कि इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए पहली तो ये कि इसके अंदर इसका चेहरा सामने दो लोग यहाँ बैठे हैं नीचे दो चाबियां हैं और साइड में दो पिलर्स हैं जैसे हाई प्रिस्टिस या और जस्टिस uh, वगैरह हर एक कार्ड्स में uh, आपने देखी या देखेंगे तो इसके इसका मतलब हायरोफेंट का मतलब ये है कि जो पंडित होते हैं या uh, पोप है कैथलिक्स uh, में या मुस्लिम्स में जो पीर वगैरह होते हैं ये वो लोग हैं जो रिलीजन uh, को मतलब uh, धर्म को ज्यादा मानते हैं आ, उसको इस तरह से दर्शाया हुआ है आ, इसके बाद जो इस आ, रा और डॉन के बीच में जो बात चल रही है वो इस कार्ड को लेके चल रही है ये है दिमाग का प्रतिबिंब सिग्निफिकेटर ऑफ द माइंड इसका नाम है हायरोफेंट ये पांचवा कार्ड है इसमें कुछ चीजें आपको नोट करनी है एक तो इसके हाथ में भी वही है जो मिलता जुलता जो दूसरे कार्ड्स मैंने आपको दिखाए उसमें था लेकिन इसके अंदर इसका मुंह लेफ्ट साइड में है और यहाँ पर भी तो आ, मतलब इसको क्या बोलेंगे पता नहीं नोम्स बोलेंगे आदमी बोलेंगे आ, जिन बोलेंगे मुझे नहीं पता क्या है ये तो लेकिन यहाँ लेफ्ट साइड में व्हाइट है और राइट साइड में ब्लैक है इसके अलावा इसके नीचे ये आठ कुछ बनाए हुए हैं अः ये क्या बनाए हैं आगे जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा अच्छा इससे करने से पहले शुरू करने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहूंगी रा, Council, Michael, मैं मेरा घर मेरे मेरा परिवार मेरी संपत्ति मेरे प्रियजन और वो सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं आज देख रहे हैं या कल देखेंगे या जब भी आने वाले समय में देखेंगे उन सभी लोगों को उनके परिवार को उनकी संपत्ति को उनके प्रियजनों को इन सब की रक्षा करना हम सब की रक्षा करना ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक अस्तित्व कोई किसी भी घनत्वता का नकारात्मक ऊर्जा या अस्तित्व हमारे पास भटके भी नहीं आ, दूर रहे हमसे भटके भी नहीं, नहीं बोलना चाहिए हम सबसे दूर रहे और उन्हें हमसे दूर रखना और हमारी सबकी रक्षा करना तो ऑलरेडी एक महीने से जो दर्द यहाँ हो रहा है ना मेरी चार दिन बीच में मैंने लॉ ऑफ वन नहीं किया था तो ये दर्द बंद हो गया था एक तरह से जब से दोबारा दो चार दिन से मैं लॉ ऑफ वन रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ ये दर्द तीन दिन से इतना ज्यादा है जो भी है तो हीलिंग तो होती रहती है खैर 97.10 क्वेश्चन में जब उसको मना कर देता है कि हम ये सब चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि इंसान अनंत बुद्धिमानिता को पहचाने उसके साथ एक हो खुद को उसके साथ एक समझे तो डॉन कहता ठीक है अब मैं पांचवे कार्ड के बारे में पूछना चाहता हूं जो हमारे ठेठ दिमाग का प्रतिबिंब है हमारे दिमाग का प्रतिबिंब है पहले तो मैं एक चीज नोट करता हूं कि ये एक आदमी है और विद इन अ रेक्टेंगुलरली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म मतलब कि ये जो इसके आसपास बने हुए चार खंबे बने हैं चौकोर है या रेक्टेंगल है ऊपर से चौकोर थोड़ा लंबा नीचे भी चौकोर और चौकोर से कुर्सी या डब्बे के ऊपर बैठा है पता नहीं तो वो कहता है कि ये चौकोर जैसे एक लंबे से डब्बे के अंदर बैठा हुआ है चौकोर शेप की चीज में तो इससे मुझे ये अंदाजा होता है कि ये तीसरी घनत्वता से इसका गहरा ताल्लुक तीसरी घनत्वता के माया जाल से इतनी मतलब गहराई से ये अंदर घुसा हुआ है के और दूसरा चीज आ, इस, ये इस तरह से उसमें बैठा गया है जहां से ये ये हिल नहीं सकता ये कहीं जा नहीं सकता ये आ, लेफ्ट नहीं राइट नहीं आगे नहीं पीछे नहीं ये पूरी तरह से उसके अंदर एक तरह से बंद है हालांकि दीवारें नहीं दिखाई हैं लेकिन उसके अंदर बैठा हुआ है तो ये वहां से हिलना चाहता ही नहीं है ना उसकी काबिलियत है वहां से हिलने की तो रा कहते तीसरी घनत्वता में पूरी तरह से बंधा हुआ सिर्फ उसके तीसरी घनत्वता के माया चल से तो आप समझ लो कि हालांकि ये धर्म से ताल्लुक रखता है टैरो के हिसाब से इसमें उसने अभी तक नहीं कहा है कहेगा कि नहीं मुझे नहीं पता लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि टैरो में आमतौर पे ये धर्म से ताल्लुक रखने वाला कोई पंडित मौलवी पोप प्रीस्ट इस तरह का कुछ होता है तो रबी कुछ भी आम तौर पे रब्बी जो होते हैं उनका पहनावा या जो भी कह लो कुछ शायद इस तरह से होता है शायद तो रा कहता है कि छात्र तुमने इसके मूल को इतनी सुंदर तरीके से समझा है खास करके उस चौकोर उसके आसपास जो डिब्बा बना हुआ है या जो भी बना हुआ है उसके साथ इतनी सुंदर तरीके से उसके मूल रूप को समझा है और तुम ये समझो कि अगर तुम्हारी सोच तुम्हारी तुम जो भी सोच रहे हो वो चल सकती तो अः अः तुम्हारी इतनी वेल well होन्ड मतलब बेहतर तरीके से बनी हुई और घड़ी कढ़ी हुई सोच है तुम्हारी के इस शरीर के बिना

क्या तुम समझ सकते हो कि अगर तुम्हारी सोच चल सकती थ्रू द बाउथ द माइंड में स्पीक थ्रू द लिम्स द माइंड में अफेक्ट एक्शन कहता है कि तुम्हारे तुम्हारा मुंह नहीं होता तो तुम कैसे बोलते तुम अपनी सोच को कैसे बताते कि तुम क्या सोच रहे हो और अगर हाथ पैर नहीं होते तो तुम कर्म कैसे करते तो ये तुम्हारे मुंह से तुम्हें बोलने की शक्ति दी है ईश्वर ने और तुम्हारे हाथों पैरों से तुम्हें कर्म करने की शक्ति दी हुई है तो आ, ये जो ये प्रतिबिंब दिमाग का इस चार खंबे के जगह में बैठा है वो इसे दर्शाता है कि वो दिमाग का प्रतिबिंब है और ये चारों तरफ जो डब्बा सा बना हुआ है ये तुम्हारा शरीर है तो और वो शरीर तीसरी घनत्वता का आई थिंक दीपा हैज जॉइंड हाय दीपा या आई थॉट अस मच ओके सो फिर डॉन कहता है कि ये जो प्रतिबिंब है दिमाग का ये uh, खुदगर्ज़ी वाले रास्ते की ओर यानी कि उल्टे बाएं हाथ की तरफ देख रहा है और ये दर्शा रहा है कि दिमाग जो है वो हमेशा बुरे रास्ते वाले उत्प्रेरकों को जल्दी पहचानता है और बुरी ऊर्जा को या बुरी आसपास तुम्हारी जो बुराई होगी तुम्हारे आसपास जो माहौल है उसके अंदर बुराई को बहुत जल्दी पहचानता है सबसे पहले क्या इसके बारे में कुछ कहोगे तो राह कहता है हाँ तुम काफी हद तक सही हो तो डॉन कहता है इसके अंदर उसके पैरों में नीचे दो लोग बैठे हुए हैं एक काला है और एक सफेद है हालांकि यहां पर इस आदमी के पैर नजर नहीं आ रहे लेकिन उसकी कुर्सी के नीचे दो लोग बैठे हैं पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या इसका रंग जिस तरह से बनाया गया यह सही है एक काला एक सफेद तो रा कहता है नहीं ये जो काला वाला था इसे दरअसल हमने पहले लाल रंग का बनाया था उसके अलावा बाकी की सारी चीजें जैसे हमने बनाई थी वैसी हैं और सही हैं। तो वो कहता है कि ये जो लाल रंग बनाया था ये मेरे लिए एक रहस्य है। लाल क्यों बनाया था हमने ये सोचा था कि दिमाग के ध्रुवीकरण के या तो काला हो सकता है सफेद हो सकता है अच्छा हो सकता है बुरा हो सकता है तो लाल कहाँ से आ गया एज ए सिग्निफिकेंट सेल्फ वुड बी सिग्निफिकेंट एज वन और पुलरिटी तो या तो दिमाग सही रास्ते पर हो सकता है या गलत रास्ते पर हो सकता है तो मुझे यह समझ में नहीं आया इस बारे में थोड़ा मुझे बताओ तो रा कहता है लेफ्ट हैंड पाथ कलरेशन तो कहता है कि दरअसल जो तुम समझ रहे हो बिल्कुल सही सही समझ रहे हो ध्रुवीकरण के बारे में जो काले रंग वाला जो तुम्हें दिख रहा है वो जो भी जानवर है या आदमी है वो खुदगर्जी वाले रास्ते के लिए हमने बनाया था और एक जंग लगा हुआ होता है ना जैसे किसी चीज को जंग लग जाता है तो हमने उसे उस जंग का कलर दिया था यह दर्शाते हुए कि वो बहुत ही पुराना रास्ता है पुराना पन है पुरत, पुर, पुरा, पुरान पुरान पुरानी चीज जैसे होती है तो इसलिए हमने उसे वो जंग का रंग दिया हुआ था तो डॉन कुछ कहने ही वाला होता है इसके अंदर रा कहता है कि अभी रुक जाओ इसको गले में तकलीफ हो रही है तो ये ठीक हो जाए फिर पूछते हैं तो कहता है हाँ अब पूछो तो डॉन कहता है कि आ, क्या हुआ था उसे तो वो कहता है कि वो जो पांचवी गणपति का प्राणी है आ, वो इसे परेशान कर रहा था इसके गले और इसके सीने पे तो आ, इसकी वजह से ये थोड़ा सा फ्रॉम फ्रैक्शन ऑफ दिस डिस्टॉर्शन रिमेन अनमेंशन बाय द इंस्ट्रूमेंट और ये बात कार्ला ने बताई नहीं अह इज इट हेल्पफुल एज बिल्लो कहता है कि अह क्या ये ठीक रहेगा कि कारला साफ तरीके से बात कर पाए जब आप सब इसका ध्यान रखो और इसको सहारा दो तो वो कहता है Um, हाँ उसके कार्ला के गले और सीने पे टाइटनेस के बारे में थोड़ा सा बात कर रहा है तो फिर डॉन कहता है कि मैं समझ नहीं पाया मैं सोच रहा हूँ कि ये जो कार्ड के ऊपर जो काले रंग का बना हुआ है क्या ये आदमी है ये राइट साइड ऑफ द कार्ड एज फार एज द मेल फिगर व्हिच इज द सिग्निफिकेटर इज कंसर्न तो वो कहता है कि ये जो काले रंग का निशान बनाया है इसे आ, दूसरों की सेवा की तरफ सही सीधे हाथ की तरफ क्यों बनाया हुआ है इसको तो उल्टे हाथ की तरफ होना चाहिए उस आदमी के जहां तक मैं समझ रहा हूँ रास्ते पे होना चाहिए क्योंकि वो पवित्रता को दर्शाता है तो उसको उल्टे हाथ पे बनाया हुआ है तो कहता है कि आप कारला को थोड़ा खांसी करवा दो तो वो कहता है कि हाँ हो गया फिर वो कहता है कि अभी रुको उसको बहुत जोर से दर्द उठा है फिर उसके बाद रा कहता है कि ध्रुवीकरण का स्वभाव जो है इसमें वो बहुत uh, सुंदर तरीके से इंटरेस्टिंग दिलचस्प तरीके से बताया हुआ है कि इन दैट दोस एक्सपीरियंसेस ऑफर्ड टू द सिग्निफिकेटर एज़ पॉजिटिव फ्रीक्वेंटली बिकम रिकॉर्डेड एज़ प्रोडक्टिव ऑफ द बायसेस व्हिच मे बी सीन टू बी नेगेटिव वेयर इज द फ्रूट ऑफ दोस एक्सपीरियंसेस अपेरेंटली

अक्सर हम जो हमारे लिए जो चीजें होती हैं जो गलत होती हैं उसको तो हम अच्छा समझ लेते हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ और जो अच्छी चीजें होती हैं जो हमारे भलाई के लिए होती हैं उसे हम बुरा समझ लेते हैं कि अरे आ, इनके ये जो हमारे साथ अनुभव होते हैं उसे हम अपनी सोच के हिसाब से समझते हैं जबकि इसका जो फल हमें मिलता है हम उस फल को देखते हैं और वेयर इज द फ्रूट ऑफ दोस्पीरियंसिव स्पीकली फाउंडफुल इन डेवलपमेंट कहता है अक्सर जो हमें बुरा लगता है ना क्या रे, रे रे ये तो बहुत बुरा हुआ लेकिन असल में वो आपको आपका उत्प्रेरक इस तरह से होता है कि आपको दूसरों की सेवा के रास्ते पे थकेलता है और जो चीजें कई बार आपको कुछ होता है और उसका फल आप कुछ करते हो उसका फल आपको आ, अच्छा आता है तो आ, आप बोलते हो अरे हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ लेकिन असल में वो आपको खुदगर्जी के रास्ते पे धकेलता है तो ये चीज जैसे यिन एंड यांग ब्लैक एंड वाइट ये एक ही चीज के दो पहलू हैं और अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है जैसे अः क्या एग्जाम्पल दू जैसे मेरे दिमाग में एक एग्जाम्पल आ रहा है कि एक इंसान अपनी शादी में खुश नहीं ओके आ, जैसे भी समझ लो या उसका अफेयर चल रहा है अफेयर में खुश नहीं है उसे कोई और मिल गई और उसका उसके साथ अफेयर हो गया अब वो आदमी का स्वभाव ही ऐसा था कि वो ना मिलती कोई और मिलती वो उसके साथ मतलब धोखा करता ही अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड के साथ अब गर्लफ्रेंड सोचती है ये तो मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ मैंने तो इससे बड़ा प्यार दिया था इसके साथ वफा की थी और इसने मेरे साथ धोखा किया ये तो बहुत बुरा हुआ और इस वजह से वो उसे छोड़ देती है और दुखी होती है या नहीं छोड़ती है और दुखी होती है लेकिन ये तुम्हें इसलिए हुआ ताकि तुम समझो कि उस आदमी का स्वभाव नहीं बदलने वाला वो ऐसा ही रहेगा तुम कितनी भय, कितनी कितना भी उससे प्यार करो उसकी सेवा करो वो ऐसा ही है और दूसरी तरफ आ, तो ये उसके साथ बुरा हुआ लेकिन असल में उसको ये उत्प्रेरक इसलिए ईश्वर ने दिया कि उसे समझाए कि प्यार भी एक हद में किया जाता है पूरी तरह खुद को उंडेल देना समझदारी नहीं है अपने लिए खड़ा होना सीखो और नहीं तो ऐसे लोगों से दूर भागो छोड़ो इसको तुम्हें इससे बेहतर तुम्हारा इंतजार कर रहा है अगर तुम इसे अपने दिमाग से निकाल सको दूसरी तरफ वो आदमी वो सोचता अरे वाह ये तो आई I मीन mean, मैं तो अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड के साथ खुश नहीं था एक बहुत मंडेन और बोरिंग हो गया था हमारा रिश्ता इतने सालों में यहां पर मुझे कुछ नयापन मिल रहा है उसको यह नहीं पता कि ये उसके पैसे लूट के उसको किसी और के लिए छोड़ के चली जाएगी वो तो बड़ा खुश हो रहा था और हुआ क्या उसने उस लड़की ने छह महीने बाद उसका बैंक बैलेंस खाली किया उसको धोखा दिया और निकल ली किसी दूसरे पैसे वाले के साथ तो समझ में आ गया ये आपको समझा रहा है कि आप दूसरों की सेवा करो और वो आपको समझा रहा है कि दूसरों की सेवा करना सही है लेकिन अपने आप को मत भूलो खुद से भी प्यार करना सीखो तो इस तरह से ये एक उदाहरण था आ, मात्र तो वो कहता है कि यू मे नोट द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल इमेज इंडिकेट द appropriate बायस एक मिनट मैं इमेज दिखा दू इसका एक हाथ यहाँ है और एक हाथ यहाँ है तो वो कहता है कि आप नोट करो कि ये जो प्रतिबिंब दिमाग का जो आदमी बैठा हुआ है उसके हाथ जो हैं, वो बिल्कुल सही तरीके से ध्रुवीकरण दिखा रहे हैं

उसको उकसा रहा रहा है है या बता कि तुम आत्मा की पूरी शक्ति को अपने अंदर समेट लो और अपने बारे में सोचो तो वो कहता है कि ये जो दो हाथ हैं उसके वो इस तरह से इसलिए दिखाए गए हैं कि वहां पे ध्रुवीकरण के बारे में आपको सही तरह से समझ में आए मुझे लगता है मुझे नहीं पता कि ये हाथ बाहर है ये अंदर है ये एक्चुअली उल्टा होना चाहिए था क्योंकि ये नेगेटिव तरफ है ये पॉजिटिव तरफ है एनी तो अगर उसमें कुछ चेंजेस किए हैं डॉन ने तो मुझे नहीं पता तो लेफ्ट हैंड ये उसका लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है ये और लेफ्ट है ये राइट है तो राइट की तरफ काला बैठा है लेफ्ट की तरफ ये बैठा तो ये हाथ जो है वो उसको Uh, बता रहा है कि अपने लिए जितना खींच सकते हो खींच लो और ये वाला जो उसका हाथ है वो बता रहा है कि दूसरों की सेवा करो ठीक है मैंने गलत समझा था सॉरी तो वो कहता है कार्टूश एट दॉट पॉसिबली सिग्निफाइड एनर्जी सेंटर्स एंड एवोल्यूशन थ्रू दिस सेंटर्स पॉसिबली फॉर ईदर और नेगेटिव पोलराइजेशन बिकॉज ऑफ द वाइट एंड ब्लैक कलरेशन ऑफ द फिगर्स कार्टूश मतलब वो इनकी बात कर रहा है यहां पर जो बने हुए तो आ, रा इसके बारे में कुछ बताइए तो वो कारला को पहले खांसी करवाता है फिर वो कहता है कि तुम्हारी तुम्हारा ध्यान बिल्कुल सही चीज पे जाता है और बिल्कुल सही चीज पकड़ लेते हो तुम अः ये बहुत जरूरी है और इससे बहुत चीजें चीजों की मालूमत मिलती है तुम अगर इन आठ चीजों को समझो डॉन ने ये कहा था कि ये जो आठ नीचे बने हुए हैं ये वो हमारे आठ चक्र हैं, जिनको अगर हम जिनके ऊपर काम करें और उसकी आध्यात्मिक उन्नति करें तो हम चाहे वो खुदगर्जी के रास्ते पे हो या दूसरों की सेवा के रास्ते पे हो वहां पे ये हमारी मदद करते हैं या अम, ये जितना ऊपर चढ़ेंगे मतलब उन्नति इनकी जितनी होगी ये आठ चक्रों की तो उसके ऊपर रा ने बोला सॉरी मैं वो ट्रांसलेट करना भूल गई थी तो बोला कि तुम्हारे तुम्हारा नजरिया तुम्हारी सोच बिल्कुल सही दिशा में जा रही है और इससे बहुत सारी अः मालूम मिलती है और वो कहता है कि इन आठ चीजों के बारे में स्टडी ऑफ ऑप्टिव एंड एसोसिएशन विद कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स कहता है तुम्हारा ये जो अस्तित्व है दिमाग शरीर और आत्मा का उसका ताल्लुक इन आठों आ, से ऑक्टेव मतलब आठ सुर या आठ चक्र या आठ घनत्वता या आठ लेवल तो वो कहता है ऑक्टेव मतलब आठ चीजों का संग्रह इनके साथ तुम जो ताल्लुक है तुम्हारे अस्तित्व का वो बहुत जरूरी है जिससे तुम्हें काफी मालूम मिल सकती है और बहुत सारे ये जो चक्र होते हैं तुम्हारे अस्तित्व के ये तुम्हारे अस्तित्व में बहुत सारे ड नॉट प्रोफिट फ्रॉम बींगड इन कनेक्शन विदिडरेशन ऑफ द नेचर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पोलैरिटी एक्सम्प्लीफाइड कॉम्प्लेक्स ऑफ दर्ड नंबर कहता है इन ये जो आर्ट नीचे बने हुए हैं ना इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिससे जिसके ऊपर अगर तुम सोचो तो तुम्हें फायदा ना हो इसके जुड़ाव को या इसके कनेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम अपनी आध्यात्मिक या अपनी उन्नति करना चाहते हो तरक्की करना चाहते हो अपने ध्रुवीकरण की अगर तरक्की करना चाहते हो ध्रुवीकरण में उन्नति करना चाहते हो तो इनमें से सारे आठों

कुछ निशानियां हैं ये समझ में नहीं आएंगी लेकिन कुछ यहाँ पे ये मुझे छिपकली लग रही है ये कुछ पंछी लग रहा है यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है यहाँ पे कुछ बिल्ली पता नहीं क्या है। तो जो भी है वो कहता है इसके ऊपर कुछ निशान बने हुए हैं तो क्या ये जानवर पंछी जो भी बने हैं क्या इनका ताल्लुक या इनका इस दिमाग के प्रतिबिंब ठेठ uh, दिमाग के प्रतिबिंब में इनका कोई सहयोग है उसे समझने में इस दिमाग के प्रतिबिंब को अगर हम समझना चाहें गहराई से तो क्या इन पंछी और जानवरों के जो साइंस बनाए हैं उनका कुछ uh, मूल्य है जरूरी है क्या वो तो रा कहता है कि ये जो शब्दावली या शब्द यहाँ लिखे हुए हैं हैंचर uh, ओके okay, मैं जरा देखू इसका मतलब क्या है इसका मतलब है द पार्ट ऑफ द क्लासिकल बिल्डिंग सपोर्टेड बाय द कॉलम्स ऑफ अलोनेट कंप्राइजिंग द आर्किटाइफ फ्राइज एंड कॉर्निश तो ये जो बिल्डिंग के ऊपर ये त्रिकोण सा बनाया होता है ये सारे खंबे खंबों को सपोर्ट देने के लिए उसको एंटेबलेचर बोलते हैं तो वो कहता है ये ये जो चित्रकारी की हुई है यहाँ निशानियां शब्दों की तरह है जैसे तुम्हारे शब्दों को सहारा देने के लिए कुछ अक्षर इस्तेमाल करते हो ये उस तरह से बनाए गए हैं और ये काफी हद तक आ, तुम्हारे तुम्हारी जनरेशन के लोग के नहीं मतलब पुराने लोगों के पुरानी सभ्यता बहुत ही पुरानी सभ्यता और लोगों के, लोगों के ने ये बनाए थे ये तुम्हारी आज की दुनिया है ये बड़ी प्राचीन दुनिया के है इसीलिए हम ये कहते हैं कि एक मोटा मोटी तुम ये समझ लो कि इनका मतलब ये है कि तुम हर तीसरी घनत्वता में हर तीसरी में कोई मरता है लेकिन उसके बाद तुम्हारा पुनर्जन्म होगा ताकि तुम ये अपनी अनंत जिंदगी जीते रहो और जिंदगी कभी खत्म नहीं होती मोटा मोटी इन शब्दों का जो शब्दों से ये कहावत बनती है और उस कहावत का मतलब ये है कि अगर तुम मर भी गए तो तुम दोबारा जन्म लोगे अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने के लिए अनंत जिंदगी जीने के लिए जिंदगी खत्म नहीं होती तो डॉन कहता अच्छा ये फिर पंखों पे आ गया ये यहाँ पर पंख बने हुए हैं तो वो इन पंखों के बारे में पूछ रहा है कि ये जो पंख बने हुए हैं इनका क्या मतलब ये है कि ईश्वर जो है इस आदमी के आध्यात्मिक उन्नति की रक्षा कर रहा है आ, क्या इसके बारे में बताओगे तो आ, रा कहता है ये आखिरी सवाल होगा क्योंकि इसकी तबीयत खराब हो रही है नर्वस सिस्टम इन ऑर्डर टू हिट द इंस्ट्रूमेंट ओके तो शर, नहीं वो कहता है हम सेशन ही खत्म कर रहे हैं तो डॉन कहता है अच्छा कोई बात नहीं अगर आप नहीं जवाब देना चाहते तो अगली बार बात कर लेंगे आ, आप कारला को सपोर्ट करो तो uh, हाँ तो बस इसका तो उसने जवाब नहीं दिया शायद अगले सेशन uh, में देगा नाइन्टी एट सेशन में uh, ठीक है तो ये सेशन मैं यहीं पर बंद करती हूँ बेहतर रहेगा छोटा तो छोटा सही क्लोज दिस था 97 सेवन चैप्टर खत्म हुआ